नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर असित अरोरा, प्रिंसिपल कंसल्टेंट जीआई ऑंको सर्जरी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साकेत। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन पद्धति की सर्जरी के बारे में। ये क्या होती है, इससे मरीज को क्या फायदे हैं और कैंसर में इसके इस्तेमाल के बारे में। नमस्कार डॉक्टर अरोरा, माय उपचार में आपका स्वागत है। तो हमें बताइए, ये दूरबीन की सर्जरी होती क्या है? देखिए, जब पेट के कोई भी ऑपरेशन होते हैं, पेट के अंदरूनी हिस्से के, तो उस हिस्से तक पहुंचने के लिए हमें पेट के ऊपर चीरा देना होता है। वो सिर्फ हमारा एक एक्सेस पॉइंट होता है, उस हिस्से तक पहुंचने का एक रास्ता या जरिया होता है। दूरबीन के ऑपरेशन में हम उस हिस्से तक पहुँचने के लिए पेट पर एक बड़े चीरे की बजाय कुछ छोटे छेद करते हैं, जो कि 5 mm या 10 mm के होते हैं। उसके द्वारा हम दूरबीन से अंदर प्रवेश करते हैं और वो सारा ऑपरेशन जो कि आप ओपन पद्धति से किया जाता था, उसी को दूरबीन की पद्धति से कंप्लीट करते हैं। इसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। लैप्रो और स्कोपी, इन दो शब्दों के मेल से ये वर्ड बना है। लैप्रो का मतलब होता है लैटिन भाषा में पेट, और स्कोपी का मतलब दूरबीन। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की कैसे जाती है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे कॉमन लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन जो है वो है गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, जिसे हम कोलिसिस्टेक्टमी बोलते हैं, जिसमें हम 3 या 4 छोटे छोटे छेद बनाते हैं। उसके बाद उसमें एक प्लास्टिक की ट्यूब्स अंदर डालते हैं, जिन्हें हम ट्रोकार बोलते हैं। पहला जो छेद होता है वो नाभि के थ्रू बनाया जाता है। उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं, जिससे कि पेट फूल जाता है और हमें अंदर के हिस्सों को देखने में आसानी होती है। फिर एक लैप्रोस्कोप, जो कि एक टेलीस्कोप होता है, उसे हम अंदर डालते हैं और ये पिक्चर्स जो हमें दिख रही हैं, ये हमारे मॉनिटर पे दिखाई देती हैं और अंदर के हिस्सों को विजुलाइज किया जाता है। ये विजन हमें ओपन सर्जरी से बेटर मिलता है। इसके बाद हम बाकी औजारों का इस्तेमाल करके ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं, जिसमें गॉल ब्लैडर की डक्ट और उसको खून देने वाली नसों को काट के गॉल ब्लैडर को शरीर से बाहर निकाला जाता है। आमतौर पर ये नाभि वाले पोर्ट से बाहर निकलता है और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं और जो छोटे छेद हमने बनाए थे उन्हें टाँकों से सिला जाता है और ड्रेसिंग की जाती है। इसके विपरीत अगर यही सर्जरी पुरानी पद्धति ओपन सर्जरी से की जाती, तो हम एक बड़ा चीरा लगाते, जो कि आपके दाहिनी तरफ आपकी रिब्स के नीचे होता और ये करीब 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा चीरा होता है और इससे हम गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करते हैं। तो आज इसका इस्तेमाल सिर्फ पेट की सर्जरी के लिए किया जाता है कि अब ये और भी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है? जब आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, तो इसका मतलब हुआ दूरबीन पद्धति से पेट के ऑपरेशन करना। अगर आप दूरबीन की पद्धति को बाकी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप उससे फेफड़े का ऑपरेशन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं थोरैकोस्कोपी। अगर आप उससे जॉइंट्स का ऑपरेशन करते हैं, तो उसे बोलते हैं आर्थ्रोस्कोपी। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल कई जगहों के लिए किया जाता है, पद्धति एक ही रहती है, बस नाम बदल जाता है। एग्जैक्टली। सो जिस जगह पे आप यूज कर रहे हैं, उसका नाम उसके आगे जुड़ जाता है। तो क्या ये उतनी ही असरदार होती है जितनी पहले पूरे चीरा लगा के सर्जरी की जाती है? बिल्कुल। कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे कि मैं गॉल ब्लैडर की ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, तो आज की तारीख में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इनफैक्ट ये ओपन से बेहतर माना जा रहा है। ऐसी कई बीमारियां हैं जिनके इलाज में आज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक रूटीन प्रोसीजर बन चुका है और कई चीज़ों में उसे ओपन सर्जरी से बेहतर माना जा रहा है। और क्या फ़ायदे हैं इसके? जाहिर सी बात है, अगर आपका चीरा छोटा है और आपको ऑपरेशन के बाद दर्द कम हो रहा है, तो मरीज का चलना फिरना जल्दी शुरू होता है। दर्द कम होने के कारण मरीज़ सांस अच्छे से ले पाता है, तो चेस्ट के इन्फेक्शंस के रेट कम होते हैं। मरीज़ का हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है और एडिशनल बेनिफिट्स जो हैं वो हैं कॉस्मेटिक बेनिफिट।
पेट में चीरा कम है तो उसका निशान या स्कार कम आता है, तो उसके एडिशनल बेनिफिट ये रहता है। तो क्या ये भारत में उपलब्ध है आज दूरबीन की सर्जरी हर जगह? जी बिल्कुल, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इनिशिएशन फ्रांस में 1980 में उसके आखिरी दशक के आखिरी सालों में शुरू हुआ था, और इंडिया में ये 1990 में और उस दशक के आखिरी में शुरू हो गई थी। 2000 में मोटा मोटा ये देश के सभी प्रमुख शहरों में होनी शुरू हो गई थी। आज ना सिर्फ मेजर सिटीज़ बल्कि सेकेंड टायर एंड थर्ड टायर सिटीज़ में भी हमारे सर्जन्स बहुत एफिशिएंटली और अच्छी रिजल्ट्स के साथ ये सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या इसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए भी किया जाता है? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती कुछ सालों में इस पद्धति का इस्तेमाल सिर्फ सिंपल ऑपरेशंस के लिए होता था, जैसे कि गॉलब्लैडर की पथरी के ऑपरेशन के लिए या अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए या ट्यूबल लाइगेशन के लिए। पर जैसे जैसे लोगों की एक्सपर्टाइज बढ़ी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आया, उसके साथ ही इसका इस्तेमाल और कॉम्प्लेक्स बीमारियों के इलाज के लिए होने लगा। और कैंसर का इलाज सन 2000 में और उसके बाद से बहुत से कैंसर्स में इसके इलाज का प्रचलन शुरू हुआ। आज की डेट में कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर, इसोफेजियल कैंसर का इलाज इस पद्धति से बहुत ही रूटीन वे में हो रहा है। पैनक्रियाटिक कैंसर और लिवर कैंसर के भी इलाज आजकल काफ़ी स्पेशलिस्ट सेंटर ऑफर कर रहे हैं। ये बात मैं आपको ज़रूर एम्फसाइज करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि इस पद्धति को कैंसर के इलाज में यूज़ करने के लिए दो चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। एक तो जो सर्जन इसे यूज़ कर रहे हैं उनकी एडिक्वेट ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये सेंटर्स हर प्रकार से इस ऑपरेशन को करने के लिए इक्विप्ड होने चाहिए। अगर आज आप हमारे देश में भी देखेंगे तो ऐसे बहुत से सेंटर्स हैं जो इन सर्जरीज को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ और जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है जो कि ओपन सर्जरीज होता है उसके कंपेरेबल रिजल्ट्स में कर पा रहे हैं। तो कैंसर में इसका इलाज बहुत अच्छे से हो रहा है, और ये एक मिथ है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने से कैंसर फैल जाता है या कैंसर अंदर छूट जाता है। अगर इसका इलाज अच्छे तरीके से किया जाए, ट्रेंड सर्जन्स के हाथों में हो और अच्छे सेंटर्स पे हो, तो इसका इलाज बिल्कुल कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के मुकाबले का है। डॉक्टर अरोरा, एक सवाल और कि दूरबीन से सर्जरी करवाने के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है? सो देखिए, ये तो ऑपरेशन क्या हुआ है उस पर डिपेंड करता है, बट अगर आप कन्वेंशनल सर्जरी या चीरे वाली सर्जरी से कंपेयर करेंगे तो इसमें बहुत फ़र्क है। रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है और पोस्ट ऑपरेटिव पेन, जो ऑपरेशन का पेन है, वो इसमें काफ़ी कम रहता है और इन्फेक्शन रेट भी कम है। सो ओवरऑल बेनिफिट्स काफ़ी हैं और डेफिनेटली ये पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से संबंधित आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी डॉक्टर्स की टीम उसका जवाब देगी।